हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक सिंपल अंडा करी की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है, जिसे आप ब्रेकफास्ट या पेशरी में भी बना सकते हैं। चलिए इसके लिए बताती चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स। दो स्मॉल साइज की अनियन ली है मैंने और इसे बारीक चॉप कर लिया है। दो तेज पत्ता चाहिए हमें। एक टमाटर लिया है, इसे भी मैंने एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। नेक्स्ट काजू लिए हैं 10 से 12, इसे पानी में भिगो दिया है और हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। साथ ही हमें चाहिए फ्रेश क्रीम 1 टीस्पून के करीब। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है, हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून के करीब। हल्का सा इसे गर्म होने देंगे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 2 तेज पत्ता। जीरे को हल्के सा ब्राउन होने देंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे प्याज जो हमने फाइनली चॉप करके रखी थी और इसे मीडियम फ्लेम पे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। देखिए प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और इसकी रस मिल जाने तक इसे कुक करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे टर्मेरिक 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून 3/4 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। चलिए इसे मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। बिना पानी ऐड किए हम इसे कुक करेंगे। चलिए 3 to 5 मिनट्स हो गए हैं, अब हम ग्रेवी को चेक करेंगे और थोड़ा सा टमाटर को भूनेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ग्रेवी में नजर ना आए और उस तरह से टमाटर को अच्छे से मैश करें। चलिए टमाटर भी हमने भून लिए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू का पेस्ट जो हमने बनाया है। और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे ग्रेवी एक तो रिच होगी, दूसरा आपकी ग्रेवी का टेक्सचर थोड़ा सा लाइट और सॉफ्ट हो जाएगा। इसे भी पकने के लिए हम 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि काजू का पेस्ट भी अच्छे से कुक हो जाए। देखिए काजू का पेस्ट भी पक चुका है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, आप इसकी जगह मलाई भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। और क्रीम में ऐड करने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, जस्ट हल्के से मिक्स करेंगे 30 सेकेंड के लिए। गैस का फ्लेम अब हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे हम इस तरह से स्लिट करके। थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे, बहुत थोड़ा सा। साथ ही इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, क्रश करके आप 1/4 टीस्पून ऐड करें। और नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे एग, 3 eggs ऐड करेंगे इसमें। इसे कवर करेंगे और लो फ्लेम पे कुक करेंगे। चलिए अंडा भी कुक हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर और इसे पिशाब करके आपको बताएंगे। हमारी फाइनल डिश सिंपल टेस्टी इजी अंडा करी, जिसे एक लबाबदार भी कहा जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। सिंपल इंग्रेडिएंट
आप ज़रूर ट्राई करें हमारी ये रेसिपी ब्रेकफास्ट, या फिर आप शहर में भी इसे बना सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।